तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोपर ज्ञान अकेडमी में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से, आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम होगा तो एयरफोर्स का ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं वन बाई वन मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान से लगातार देखते रहेंगे सामने, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं यहाँ से कमांड करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना जब भी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को अपना माउस और अपना कीबोर्ड, ठीक है, माउस और कीबोर्ड अपने दोनों चेक कर लेने कि दोनों प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप सभी लोगों को, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपका होल टिकट नंबर एंड ईमेल आईडी आपकी याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी याद नहीं है तो आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको दोनों चीज याद होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको यहाँ पर आती है कि भाई यहाँ पर आप सभी का कि आपको वहां पर, ठीक है, आपको वहां पर जब जाएंगे तो आपको अपनी टी शर्ट पहन के जानी है, शर्ट पहन के नहीं जानी। अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपने दो फोटो और आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, और मार्कशीट लेके जाएंगे वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको होल टिकट नंबर आपको यहाँ पर गिनना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी गिनने के बाद आप क्या कर देंगे, इसको लॉग इन कर देंगे। और जैसे ही आप इसको लॉग इन कर देते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको अनुदेश होंगे कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती हेतु निर्धारित परीक्षा आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीजें मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से। परीक्षा के दौरान आप कोई भी वेब ब्राउजर या फिर इसको बंद नहीं करेंगे, जो चल रहा है वही करेंगे। अपना नाम, होल टिकट संख्या, में फोटोग्राफ की सत्यता जांच लें। आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, आपको देख लेना कि आपका फोटो है या फिर नहीं। अगर आपका फोटो है तो आपकी ही सीट है, अगर नहीं है तो जल्दी से आप लोग अपने कक्ष को, ठीक है, जो भी आपने इंचार्ज होंगे उनको बताने हैं। और याद रखिए आपका जो पेपर है, अगर आपका एक्स ग्रुप का पेपर होगा तो एक्स ग्रुप के पेपर में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भौतिकी एंड आपका गणित और अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, अलग अलग सेक्शन होगा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपका अगर वाई ग्रुप का अलग है तो वो अलग होगा, अगर एक्स और वाई दोनों ग्रुप के हैं तो आपको दोनों एक साथ वहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नीचे ले आएंगे, नीचे से आप लोग इसको पढ़ देंगे। आपको पढ़ना है, पढ़े ना पढ़ना हो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे एक यस वाला चिन्ह होगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट एग्जामिनेशन कर देंगे। जब भी आपके हॉल में जो भी आपके वहां पर जो है वो आपको जब बताएंगे आप इसको कर देंगे। जैसे ही आप इसको कर देते हैं तो आपके सामने दिखाई देगा इस टाइप से आपकी जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको आराम से, इस टाइप से आपके जो सबसे पहले पेपर स्टार्ट होगा वो फिजिक्स का होगा, अगर आप एक्स ग्रुप का दे रहे हैं, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपको जब भी दिखाई देगा जब आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग अपना अलग शुरू कर लें। तो आपके पास यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि आंसर यहाँ पर देने आप सभी को, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप लोग इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल भी कर सकते हैं, आपको बहुत इजी होता है एग्जाम देना, ठीक है। 20 मिनट होती है आपको क्वेश्चन देने के लिए, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। और कहते हैं कि आपका सेशन आईडी आपको लेनी है तो आपको यहाँ पर इधर से सेशन आईडी दिखाई देगी, आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर आती है कि आपकी जो नंबर है, क्वेश्चन आपको इस से देखेंगे कि भाई आपको जल्दी फिल कर लेते हैं तीन चार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे वो आपको दिखाई देंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क करने की आप लोग इसका आंसर बाद में देने जाते हैं तो इसको मार्क करने का मार्क को रिव्यू कर दें कि मैं इसका आंसर बाद में देने जाता हूँ, ठीक है। और जैसे आप लोग यहाँ पर कर देते हैं तो आपको क्या होगा, आपको सबमिट करना है सेक्शन, ठीक है। तो सबमिट करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट क्वेश्चन पेपर सेक्शन, ठीक है। आप लोग इसको क्या करेंगे, इस क्लिक पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फिजिक्स वाला पेपर होगा वो अपना सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पेज आपका जब भी शुरू होगा, जब आपका, ठीक है, जब आपका एक पूरा हो जाएगा, जैसे कि मैंने फिजिक्स का कर दिया तो आप लोग सबमिट ना करें, वो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। 20 मिनट आराम से वेट करें क्योंकि उससे पहले तो आपका दूसरा पेपर शुरू नहीं होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका फिजिक्स का सेक्शन हो चुका है कंप्लीट, अब आपको शुरू करना है मैथ वाला, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैथ का क्वेश्चन पेपर शुरू करेंगे, उसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपके वही क्वेश्चन होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपका वहां पर जो सिस्टम है वो फास्ट रहेगा, जैसे कि आपके यहाँ पर स्लो दिखाई दे रहा है ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो सीन है वो बहुत प्यार चलने वाला है, इस टाइप से क्वेश्चन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपका sec inverse and x square plus k 1 upon x square minus k 1 इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। आप लोग क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 25-25 क्वेश्चन आपके होंगे, आराम से इसको अटेम्प्ट करने हैं, काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं तो आराम से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भी जल्दी से कर लेते हैं इसको, जल्दी से 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, गलत होना फिर को, ठीक है।
तो ध्यान रहे इसका कि आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपने करे होंगे तो आपको यहाँ पर यस का चिन्ह होगा, वरना आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, आपका रागा का भी सेक्शन ऐसे आएगा आपका, और आपका इंग्लिश वाला सेक्शन भी इसी टाइप से आने वाला है। इससे अलग आपका किसी का कोई भी डाउट हो किसी भी चीज को लेकर आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको सारे की सारी वीडियो इसी चैनल पर बना दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, बाकी चीज बाद में है, ठीक है। और किसी का कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो आप लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नाम है टोपर ज्ञान अकेडमी, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ठीक है अपना पेपर आपका खुद ही सबमिट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो आप लोग सबमिट कर लेंगे, वैसे तो आपका खुद ही जाएगा, ठीक है। आपका ऐसे हो जाएगा फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों पर टिक हो चुका है, यस वाला। अब आपका आता है इंग्लिश वाला, आप लोग आराम से इसको क्या करेंगे, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से आप लोग इसको अच्छे से करें, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, हार्ड नहीं होते। आप लोग आराम से 20 क्वेश्चन होते हैं, आराम से करेंगे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम होता है आप सभी के पास में। आप सबमिट करें, सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट आप आपका जाएगा, ठीक है। आपका राजा वाला पोर्शन चलेगा, सभी में आपको एक एक दो दो मिनट का टाइम मिलेगा, आराम से रेस्ट ले, ठीक है। पानी की बोतल लेके आ सकते हैं आपको, ठीक है, उस पर कोई चिट ना हो, आप लोग आराम से पानी की बोतल भी लेके आ सकते हैं। इस टाइप से आपका राजा वाला सेक्शन जो है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट रहेगा, और इस टाइप से आप लोग इसको भी आराम से करेंगे, ठीक है। तो रागा में आपके 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, और आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके जीके के, 7 से 8 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। और उस जब आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा सा सेक्शन दिखा देगा कि आपका जो पेपर है सबमिट हो चुके हैं, आपको फिर क्या करना है, सारा एग्जाम सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप लोग अपना एग्जाम सबमिट कर देते हैं, तो आपका फिर से वही आइडिया आती है जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया था, इस टाइप आपका होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, हम मिलते हैं आपके लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।